तो भाई आज जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और चैप्टर कौन सा है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकिंग ईर्ष, जो कि चैप्टर टू है आपका। देखो भाई ये क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, तो अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, और अगर नहीं हो तो ऐड हो जाओ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूँ, हार्ड क्वेश्चन हैं, समझने वाले हैं, तो टीचर की ज़रूरत आपको रहेगी, चाहे पीडीएफ भी मिल जाए आपको, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, व्हाई इज इट इंसुलर। इंसुलर का मतलब होता है तंग नजरी। अब तंग नजरी क्या, कि अपनी बात को ऊपर रखना, दूसरे की बात को पीछे कर देना, चाहे दूसरे की बात सही हो या ना हो, इंसुलर इसलिए कह रहे हैं यहाँ। व्हाई इज इट इंसुलर द यूरोपियन हिस्टोरियन टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर द डार्क एजेस। देखो भाई जब रोमन एम्पायर फॉल कर गया, आपको पता है ना हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो जब रोमन एम्पायर फॉल कर गया तो उस सेंचुरी को जो हिस्टोरियन थे यानी यूरोपियन हिस्टोरियन थे उन्होंने डार्क एज कहा। आखिर इस तरह की तन्नजरी वाली बात करी क्यों भाई? देखो अगर आप गलत कर रहे हो तो आप क्या होगा भाई, एक ना एक दिन आपको जवाल आएगा अगर आप गलत काम कर रहे हो। तो जब यूरोपियन एम्पायर को जवाल हुआ तो उस टाइम के हिस्टोरियन ने इसे डार्क एज क्यों कहा, और ये एक तंग नजरी थी, ये एक इंसुलर था। अब इसकी वजह पढ़ते हैं। देखो भाई जब यूरोपियन एम्पायर फॉल करा ना, तो उसके फॉल करने की वजह से यूरोप के पास जो पावर थी वो चली गई, और वो कहाँ पर आ गई, ईस्ट के पास आ गई। क्यों? क्योंकि यूरोपियन एम्पायर जब फॉल कर गया अपनी गलतियों की वजह से, तो उसके बाद मुसलमान जो थे वो तरक्की कर गए, ताकतवर हो गए, अपने अदल इंसाफ अपने उसूलों की वजह से। इस बात को याद में रखना, यही चीज़ यहाँ बयान होगी। तो उन्होंने उस वक्त को क्या कह दिया, द डार्क एज, यानी उनका उस वक्त जवाल शुरू हो गया था। इस इट इज़ इंसुलर फॉर यूरोपियन हिस्टोरियन टू कॉल द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द यूरोपियन एम्पायर द डार्क एज बिकॉज दिस टर्म रिफ्लेक्ट अ नैरो यूरोसेंट्रिक व्यूज वाइल यूरोप मे हैव एक्सपीरियंस अ डेक्लाइन अदर रिलीजियस लाइक द इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया एंड चाइना वर फ्लुएंशिंग मेकिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। तो उन्होंने इस एज को यानी रोमन एम्पायर के फॉल करने के बाद उसे डार्क एज इसीलिए कहा क्योंकि भाई उनके ऊपर बुरा वक्त शुरू हो गया, इस्लाम जो है वो तरक्की पाना शुरू हो गया, और ईस्ट यानी इस्लाम जो है वो ऊपर आ गया, ईस्ट जो है वो तरक्की पर आ गया, इसलिए उन्होंने इस वक्त को अपने लिए डार्क एज कर दिया। चलो बात समझ आ गई। अब आते क्वेश्चन नंबर टू, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज द ऑथर आर्ग्यू द कम्युनिज्म इज द मोस्ट मॉडर्न वेरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। देखो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि अपना साम्राज्य बनाना। अब साम्राज्य बनाने का मतलब क्या होता है, इस सवाल को ना पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो ये ऐसे सवाल नहीं है कि डायरेक्ट पूछे जा रहे हो, पहले सवाल समझो। देखो सबसे पहले इंपीरियलिज्म का मतलब समझो और कम्युनिज्म का मतलब समझो। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य बनाना। अब साम्राज्य कैसे बनाया जाता है, कि एक मुल्क अपनी जो है वो कॉलोनी यानी अपने लोगों को दूसरे मुल्क में भेजता है और वहाँ पर अपने शहर बनाना शुरू कर देता है, कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लेता है। अब ज़रा यहाँ समझो, इसको समझो इस तरह से। देखो ए कंट्री है, ए कंट्री ने अपनी फौज भेजी बी कंट्री में, सही है, और बी कंट्री में जाके क्या करेंगे, वो अपनी फौज को रोकने के लिए रखने के लिए जो है वो इलाके बनाएंगे जिसे हम कॉलोनी कहेंगे। फिर इलाके बनाने के बाद वो क्या करेंगे, जब उस मुल्क में इलाके बना लेंगे तो फौज अगर किसी के पास है तो फिर वो क्या करेगा कि उस फौज की मदद से उस मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ की तरफ बात हो रही है कि भाई वेस्ट क्या कर रहा था यानी मुगलिया दौर में, कि वो जो है वो अपने लोगों को भेजता था मसाले की तिजारत के नाम पर ईस्ट में या सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर आके वो लोग बस जाते थे, अपनी कॉलोनी बना लेते थे, अपने घर बनाना शुरू हो जाते थे, क्योंकि ये लोगों के पास पावर थी, टेक्नोलॉजी भी थी और पैसा भी था। तो फिर उसके बाद वो पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लेते थे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया गया, यानी सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आज़ादी से पहले की बात, ठीक है। तो अब इसको उन्होंने कहा है ऑथर ने कि भाई ये एक कम्युनिज्म ही है। अब कम्युनिज्म क्या होती है कि भाई सब कुछ हुकूमत टेक ओवर कर लेती है और जो भी कुछ होता है वो हुकूमत का होता है, चाहे इंडस्ट्री हो, इलाके हो, कुछ भी, अवाम का कुछ नहीं होता। अवाम क्या करती है, जस्ट जो है वो काम करती है और उनको उनके काम का पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल आप हज़ारों दिन मेहनत करो, एक घर बनाओ,
और वो घर हुकूमत ले ले और आपको बोले कि भाई आप अब जितनी मेहनत करोगे हम उतना पैसा तो देंगे लेकिन घर हमारा है, क्या ये फेयर है? नहीं ना। तो यहाँ पर आप आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ऑथर बर्ट्रैंड रसल आर्ग्यू द कम्युनिज्म इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ द वेस्ट इम्पीरियलिज्म। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो इम्पीरियलिज्म है ना, यानी देखो वेस्ट कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ है लेकिन वो कम्युनिज्म वाले काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं? इम्पीरियलिज्म, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर अपने वो बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, अपनी फ़ौजों को भेज रहे हैं और वहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो ये ही तो कम्युनिज्म में भी करते हैं कि फ़ौज के ज़रिए से सारी चीज़ें अपने अंडर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो क्या कह रहे हैं ऑथर कि भाई ये ही जो है वो कम्युनिज्म है और ये मॉडर्न फॉर्म है कम्युनिज्म की। बात समझे ना? देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये हार्ड चीज़ है लेकिन समझा अच्छी तरह रहा हूँ, उम्मीद है। चलो आगे चलते हैं, आगे आसान भी है, ये तो थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, आगे आसान है। टू व्हाट कॉज डज द ऑथर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी सिफ्त, किसी चीज़ की खूबी या सिफ्त बताना या किसी चीज़ के बारे में बताना, सिफ्त बताना। टू व्हाट कॉज डज द ऑथर एट्रीब्यूट द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th century एंड द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया टुडे। वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड के पास आपको पता है शुरू 19th century का जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक़्त क्या था कि पावर थी इंग्लैंड के पास, ऐसी वो क्या खसूसियत थी जिसकी वजह से इंग्लैंड के पास 19th century में पावर थी और आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट और रशिया के पास पावर है, ऐसी क्या चीज़ है? देखो आसान करते हैं, मुश्किल हो रहा है ना, आसान करता हूँ। 19th century में इंग्लैंड के पास पावर थी, ठीक है। अब 21st century में USA के पास पावर है और रशिया के पास पावर है, ये दोनों मुल्क बहुत ताकतवर हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोनों मुल्कों के पास, ठीक है। ऐसा क्या था 19th century में इंग्लैंड के पास और ऐसा क्या है USA और रशिया के पास कि वो दोनों पावरफुल हो गए हैं इस वक्त में? ये इसका जवाब है टेक्नोलॉजी, साइंस। देखो अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाओगे आपके पास पावर नहीं आनी मॉडर्न एरा में। 19th century जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग नहीं था, 19th century में अच्छी खासी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुकी थी। बात समझ रहे हो? तो USA और रशिया और इंग्लैंड इन सब के पास क्या था, इनके पास एक चीज़ कॉमन थी, वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या टेक्नोलॉजी। आसान कर दिया मैंने सवाल को, यह हार्ड था। क्या खास चीज़ थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या टेक्नोलॉजी। द ऑथर एट्रीब्यूट्स इंग्लैंड पावर इन द अर्ली 19th century इज टू इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी। बात क्लियर है? मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं भी थक गया ना पूरे दिन से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अब बाकी यही बात आगे पूरी एक्सप्लेन हो रही है। वाई डज द ऑथर कंसीडर इट यूजलेस टू रिजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो जो भी इंसान आज के दौर में ये कहेगा कि भाई इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि वो जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ है। बात समझ रहे हो? चलो थोड़ा आसान करते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि ये बात करना बेकार है और ये बात करना गलत क्यों है कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ हो। यानी इसकी वजह ये है कि भाई अगर आप इंडस्ट्रीज नहीं लगाओगे, आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाओगे आज के दौर में, तो आप वेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते और ये चीज़ आप अच्छी तरीके से देख रहे हो। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो वेपन्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो या टेक्सटाइल में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपकी सुप्रीमेसी बढ़ेगी, आप तरक्की याफ्ता बनोगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ बोलना ये जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है। क्योंकि आजकल जो इसमें जो बातें लिखी हुई है ना वो आज के टाइम पे फिक्स बैठ रही हैं, इसलिए बता रहा हूँ। डज द ऑथर वेलकम कल्चर यूनिफॉर्मिटी और नॉट, हाउ डज ही जस्टिफाइज एट्रीब्यूट? अच्छा कल्चर यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझ लो, कल्चर यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि दो मुख्तलिफ कल्चर में कुछ चीज़ों का सेम होना। समझ आई बात? नहीं आई? चलो बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कल्चर हैं, पंजाबी कल्चर ले लो और सिंधी कल्चर ले लो जो कि बड़े ही फेमस कल्चर हैं और काफ़ी ही तहजीब याफ्ता कल्चर हैं हमारे दो, और काफ़ी ज़्यादा जो है ये कल्चर हमारे अच्छे कल्चर हैं। अब इन दोनों कल्चर में आपको कुछ ना कुछ सेम ज़रूर मिलेगा, वो जो चीज़ सेम है उसे कहा जाएगा कल्चर यूनिफॉर्मिटी। बात समझ रहे हो ना? अब
एग्जाम्पल के तौर पर, दोनों ही कल्चर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शलवार कमीज आपको सेम मिलेगी। हाँ, शलवार कमीज का स्टाइल अलग मिल सकता है, बनावट अलग मिल सकती है, लेकिन शलवार कमीज दोनों ही कल्चर में सेम है, और सर को ढकना भी दोनों कल्चर में सेम है अगर मैं गलत नहीं हूँ। सिंध में हम सर को ढकने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंधी टोपी, कल्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वैसे तो इमामा लगाया जा रहा होता है, ठीक है, तो सिंधी कल्चर में हम सर को ढकने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंधी टोपी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाबी कल्चर में पगड़ी, पगड़ी नुमा जो है एक होता है जिसमें यूँ इस तरह निकला हुआ होता है ये। तो बेशक दोनों में सर को ढकने की चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन सर को ढकने के लिए ये चीज़ तो सेम है ना, सर को ढका जा रहा है, तो ये कल्चर यूनिफॉर्मिटी है। अब वो बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं, वो आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, बात समझ गए। तो ऑथर ने इसे क्या कहा है? ऑथर ने इसे जो है वो डज द ऑथर वेलकम, क्या ऑथर ने इस चीज़ को अच्छा कहा है या ना नहीं कहा है, आपने ये बताना है। पढ़ लेते हैं, बार्टन रसल डज नॉट वेलकम कल्चर यूनिफॉर्मिटी, इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये क्यों कहा, इसकी वजह बताता हूँ। देखो भाई, अगर दो कल्चर में कुछ चीज़ें सेम होती है ना, तो इसकी वजह ये होती है कि हम जो है वो घुल मिल जाते हैं और फिर अलग अलग आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। और दो कल्चरों में अगर चीज़ें सेम हैं तो इससे ये भी हो जाता है कि भाई एक कल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है। तो इसीलिए दोनों कल्चर अलग अलग रहने चाहिए, यानी इन इस कल्चर की पहचान अलग होनी चाहिए, इसकी अलग। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे सिंध में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिसंबर का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर जो दिसंबर का पहला हफ्ता होता है उसका जो इतवार होता है उसको बनाया जाता है सिंधी कल्चर डे। अब वो इतवार जो है वो पहली तारीख को भी आ सकता है, दूसरी, तीसरी, किसी भी तारीख को, शुरू के पहले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अगर इसी तारीख में इसी दिन सारे कल्चर जो हैं वो कल्चर डे बनाने लग जाए अपना अपना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, सबका मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए कल्चर अलग अलग रहने चाहिए ताकि हमें उनको पहचानने में और फील करने में मज़ा आना चाहिए, और कल्चर ही हमारी पहचान कराता है, ठीक है। तो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ इज़ ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटन इज एन एज डोमिनेट बाय साइंस एंड मशीनरी। अच्छा, अब हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है, यानी जो हमारा कल्चर है, वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है या किस तरह से ख़तरा है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन देखो एक एग्जांपल लेते हैं। किसी कल्चर में बैलगाड़ी से जो है वो फसल करना, यानी इरीगेशन करना, ये उसका हिस्सा है किसी कल्चर का। अगर आप जाओ तो सिंध में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, पंजाब में भी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर कोई इंसान बैलगाड़ी से ही करता रहे ज़िंदगी भर खेती बाड़ी, तो ये अच्छी बात है या नहीं? देखो, ये कल्चर का हिस्सा है हमारे पहले, लेकिन अगर अभी भी इंसान बैलगाड़ी से ही वो काम कर रहा है खेती बाड़ी, तो उसको उससे नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि देखो, अब खेती बाड़ी करने के लिए आ गए ट्रैक्टर आ गए, मशीनरीज आ गई हैं। अब बैलगाड़ी, यानी देखो बैल भी तो एक लिविंग थिंग है ना, तो वो भी तो अनलिमिटेड काम तो कर नहीं सकती, एक लिमिट तक ही काम कर सकती है। अगर हम ट्रैक्टर से काम करेंगे और मशीनरी से काम करेंगे, तो हम ज़्यादा क्या कर सकेंगे, ज़्यादा ज़मीन को फर्टिलाइज कर सकेंगे, ज़्यादा ज़मीन जो है वो हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो ट्रेडिशनल कल्चर में अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ है, तो इससे ये हो सकता है कि हम आगे ना बढ़ें। समझाने की पूरी कोशिश करी, आई होप बात समझ आ गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज। अच्छा, बहुत सारे कल्चर में ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी जो नई आती है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता है, वो कहा जा रहा होता है कि ये टेक्नोलॉजी सही नहीं है हमारे कल्चर के लिए। तो जिस वजह से क्या होता है कि फिर बाद में हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो जिससे हमारा काफ़ी टाइम और काफ़ी नुकसान हो जाता है, और हम उस टेक्नोलॉजी को भी सीख नहीं पाते हैं, और सीखते भी हैं तो 10-15 साल बाद जाके सीख रहे होते हैं, जिस टाइम पर वो पुरानी हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ़ौरन बदल रही है। इसी तरह यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट रीज़न डज द ऑथर गिव फॉर द ओपिनियन दैट द नेशन ऑफ एशिया विल नॉट फाइंड इट थ्रेट टू कीप देयर इंडिपेंडेंस। अगर मैं इसको आसान करके बताऊँ तो वो ये कह रहे हैं कि ऑथर का ओपिनियन क्या है कि जो एशिया है वो अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकेगा, यानी सिंपल कर लो कि भाई एशिया अपनी आज़ादी को कैसे बरकरार रख सकेगा। तो अगर एशिया अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहता है तो उसने क्या करना होगा,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, ऑथर यही कह रहे हैं, और साथ ही साथ अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ख़ास तौर पे जो है वो उन मतलब ख़ास तौर पे ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है वो सही तरह से जवाब दिया जा सके और उनसे जो है वो उनके बराबर आके काम किया जा सके। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर अपनी आज़ादी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि अगर जो मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वो अपनी आज़ादी बरकरार कैसे रखेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द ऑथर व्यू हैज़ बीन द मोस्ट सीरियस फ्लो इन द करेक्टर ऑफ द वेस्ट ओवर द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। देखो भाई, अगर मैं इसको आसान करके बताऊं, क्योंकि ये भी एक मुश्किल सवाल है, व्हाट इज़ द ऑथर व्यू हैज़ द मोस्ट सीरियस फ्लो। देखो भाई, ये बोलना है कि कुछ माजी में या अभी अभी भी मिला लो, ऐसी क्या चीज़ है वेस्ट में कि वो चीज़ मुसलसल हो रही है जिसकी वजह से जो है वो ईस्ट को फ़र्क पड़ रहा है या दूसरी कंट्री को पड़ रहा है, और वो है इम्पीरियलिज्म। यानी वेस्ट कोशिश ये कर रहा है कि अपनी साम्राज्य को या अपनी हुकूमत को पूरी दुनिया पे हम कायम रखें, यानी हम ही सबसे बड़े रहें, बाकी कोई और बड़ा ना बन सके। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वेस्ट अपने आप को बड़ा बनाने की हमेशा से कोशिश कर रहा है और अभी भी कर रहा है, ताकि उसकी हुकूमत बनी रहे और उसके काम होते रहें, उसकी बातें आगे चलती रहें। इसको यही इन्होंने लिखा हुआ है, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन यही बात लिखी हुई है। व्हाट पैरेलल मे बी ड्रॉन बिटवीन द डिलाइन ऑफ द पावर ऑफ यूरोप एंड एंड ऑफ द रोमन एम्पायर एंड डिक्लाइन इन द पावर ऑफ यूरोप सिंस 1940। देखो ये भी एक हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आसान कर देता हूँ। देखो ये बोलना है कि डिक्लाइन यानी पावर में कमी क्यों आई 1940 में, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं सिंपल। तो बता देते हैं, पैरेलल डेट कैन बी ड्रॉन बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ द यूरोप पावर ऑफ यूरोप एट द एंड ऑफ यूरोपियन एम्पायर एंड द डिक्लाइन इन द पावर ऑफ यूरोप सिंस इनक्लाइन। तो देखो भाई, यूरोप जो है वो तरक्की ही कर रहा है शुरू से, वो पीछे तो नहीं जा रहा। वैसे ये सवाल बड़ा है, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा, आप इसे देख सकते हो। अब आखिरी पढ़ता है, व्हाट इन द ऑथर ओपिनियन, ऑथर का ओपिनियन क्या है, शुड एशिया एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट। सिंपल बात है, बहुत आसान सवाल है। इसमें ये कह रहे हैं ऑथर क्या ओपिनियन रखते हैं, ऑथर क्या ख्याल रखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो एशियन कंट्री को वेस्ट से अपना लेनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं अपनानी चाहिए। सिंपल है, दो बातें भाई, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। देखो हमारे पास लैपटॉप मोबाइल ये वेस्ट से ही बनकर आ रहे हैं ना, तो इसको अपनाना चाहिए एशिया को, और चाइना ने इसे अपना भी लिया। और क्या चीज़ नहीं अपनानी चाहिए, इम्पीरियलिज्म यानी अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरों पर, अपने मुल्क में तो रखो, दूसरे पर हुकूमत कायम ना करो, दूसरों के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश ना करो। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको काफ़ी आसान करके एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा था ये सवालात मुश्किल है, ये टू द पॉइंट वाले सवालात नहीं थे कि भाई ऑथर क्या सोच रहे हैं, नहीं, इसमें घुमा फिरा के पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।